देश में सुविधाओं को लेकर लगातार किए जा रहे कार्यों में अब केंद्र सरकार जल्दी कबीर धाम से राजनांदगांव मानपुर होता हुआ चंद्रपुर हैदराबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी दे दी है, जिसमें 700 किलोमीटर का सफर 440 किलोमीटर में तय किया जा पाएगा। केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के तहत देश की जनता को सुविधा और आसान राह मुहैया कराने कबीर धाम से राजनांदगांव मानपुर होते हुए चंद्रपुर हैदराबाद तक जाने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग की मंजूरी दे दी गई है, जिससे अब यह मार्ग लगभग 440 किलोमीटर का होगा। इसके लिए जो रूट तैयार किया गया है वो पूरी तरह से ग्रीन फील्ड है। पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद मई से निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू करने की योजना है, जिसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्तमान में हैदराबाद के लिए सड़क मार्ग से जाने वाले यात्री वाया नागपुर रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी दूरी भिलाई से लगभग 700 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 13 घंटे लग जाते हैं। वहीं नया राजमार्ग बनने के बाद राजनांदगांव से हैदराबाद की दूरी घटकर 440 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे तय करने में महज लगभग 7 घंटे लगेंगे। इस तरह यात्रियों को 250 किलोमीटर के सफर से राहत मिल जाएगी। वही 6 घंटे के समय की बचत भी होगी। इसको लेकर शहर के युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। ये बहुत अच्छी चीज है केंद्र सरकार के द्वारा पारित हुई है, क्योंकि जनरली यहाँ से हैदराबाद जाने के लिए आपको राजनांदगांव होते हुए नागपुर रोड का सहारा लेना पड़ता था, जो कि करीब करीब 700 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता था। पर केंद्र सरकार की जो नई योजना आई है उसमें मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगी कि अब वो सफर जो 700 किलोमीटर का था वो 440 किलोमीटर में ही खत्म हो जाएगा, जिससे यात्रियों को सबसे ज्यादा ये फायदा मिलेगी। एक तो रोड अच्छी मिलती है, सरकार ने अभी रोड बहुत अच्छी बना दी है, तो उससे जो 200-250 किलोमीटर का जो बीच का जो सफर था उससे उनको काफी राहत मिल जाएगी, और उसके वजह से उनका सफर भी इजी हो जाएगा और जो पेट्रोल गाड़ियां यूज करते हैं उनकी पेट्रोल की भी बचत होगी। तो इसी तरीके से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है और ये चीज मुझे अच्छा लगा केंद्र सरकार की तरफ से, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ये, और ये होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि कई बार हमको भी अगर मान लीजिए बाय रोड ट्रैवलिंग करना है या फिर कहीं जाना होता है तो उसके लिए हमको सीधा 700 किलोमीटर का रूट तय करना पड़ता था, अब वो डायरेक्ट स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट टू वे हो जाएगा 440 किलोमीटर में। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है केंद्र सरकार, बहुत अच्छी योजना है। हमको हैदराबाद जाने के लिए लगभग 13 घंटा समय लगता था और 700 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी, वाया नागपुर होके जाना पड़ता था हमको, जो अब हमारा समय और जो ईंधन है दोनों की बचत होगी, क्योंकि अब हमको 4-4.5 घंटा में पहुंच जाएंगे और दूरी 440 किलोमीटर की बन रहा है नया राजमार्ग। तो केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये, वाया राजमार्ग जो यूज करने वाले यात्री है उसके लिए बहुत अच्छी योजना है, और इससे समय और ईंधन दोनों की जो है बचत होगी। तो इस खबर को सुनकर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग नया जो बन रहा है उसको सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। धन्यवाद। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।